में हुई भयंकर बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। सबसे ज्यादा कोसी और गंडक नदी डरा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोसी बराज के ऊपर से बह रहा पानी उतरने लगा है। देखिए रिपोर्ट। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें मनोज नाम का व्यक्ति कांपती आवाज में मदद मांग रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार में जल प्रलय के कई ऐसे खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डरा रही है बिहार का शाप कही जाने वाली कोसी। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए शनिवार को कोसी पानी कोसी बराज के ऊपर तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 56 साल बाद कोसी में इतना पानी देखा जा रहा है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। ये वीडियो उस समय का है जब कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए। लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार को कोसी का पानी उतरना शुरू हो गया। सुबह 5 बजे तक कोसी बराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, जो रविवार शाम 5 बजे तक घटकर 3,57,410 क्यूसेक रह गया। लेकिन न्यूज 18 पहला ऐसा चैनल है जो कोसी के बैराज के ऊपर खड़ा है उसके बाद से, और यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए, कोसी का ये बैराज है और पानी जो है कल शाम तक जहाँ इसके ऊपर से बह रहा था, आज कितना नीचे गया है। पानी कम जरूर हुआ, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमल पड़ा। ये जरा देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे लोग जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वहां से, नेपाल प्रशासन जो है वहां से खदेड़ रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो बराज पे चढ़ करके वहां से झांक रहे हैं, वहां से सेल्फी ले रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सरकार इस समस्या के परमानेंट समाधान का काम कर रही है। इसका परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो कोसी में हाई डैम है जो बनना चाहिए, या जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहां हम लोग बराज बनाएंगे। 2008 में जब कुशाहा बांध टूटा था, उस समय महज 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और उसी ने बांध को तोड़ दिया था। इस बार नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। न्यूज 18 के लिए सुपौल से रवि एस नारायण और अमित झा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और बाढ़ की वजह से बगहा के खाटरवा गांव के पास चंपारण रिंग बांध टूट गया, जिसके बाद गांव में पानी घुसने लगा है। वहीं सीतामढ़ी में बलसंड के मदकौल के पास बागमती नदी का तटबंध टूट गया है, जिससे कई सड़कों पर चढ़ गया है पानी और कई कच्चे मकान बाढ़ की चपेट में भी आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से राज्य के कई बांधों पर दबाव बढ़ने लगा है। बगहा की तस्वीर देखिए, देखिए कैसे खिरटवा गांव के पास गंडक नदी की तेज धारा में चंपारण रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूटने के बाद पानी गांव में घुसने लगा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांध टूटने की घटना सीतामढ़ी में भी हुई है। नदी की तेज धारा में बागमती का माड़र तटबंध टूट गया।
बिलसंड के मदकौल के पास नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया और सैकड़ों मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। तटबंध टूटने के बाद से बिलसंड शहर में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से बैरगनिया के बलुआ, परसौनी के सौली और कोरा खरगी गांव के पास तटबंध में पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बांध का तो कोई मंशा नहीं है, कब बांध टूटता है, रात भर कोई कब टूटता या न टूटता कोई ठीक ना है। मेरी घर बांध पजरा में घर है, बलनिया बचा लेकर लोग कहाँ जाते, घर बांध टूटते ही था कहाँ पर जाते। दोनों तरफ सर नदी है, हमने से जीवन खराब हो रहा है, अब टूट जाएगा तो ये धोखा पर घर है, हमने से दह जाएगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कोरा खरगी गांव के लोग इस दावे से सहमत नहीं दिखते। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट।